गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे एसआई इंजन्स होते हैं उसमें कूलिंग किस तरह से होती है उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की कूलिंग है, जो है एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। पहले हम एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, इन दिस द हीट विच इज़ कंडक्टेड टू द आउटर पार्ट ऑफ द इंजन, यानी कि जो आउटर पार्ट पे इंजन का जो आउटर पार्ट होता है बाहर वाला, उसके ऊपर जो हीट पैदा होती है, यानी कि जो उसके ऊपर वो गर्म हो जाता है ना, जब भी हम बाइक को रोकते हैं तो जो इसका इंजन होता है वो गर्म रहता है, हमने देखा होगा। तो उसी हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इज रेडिएटेड एंड कंडक्टेड अवे बाय द स्ट्रीम ऑफ एयर। वो कैसे दूर होती है, स्ट्रीम ऑफ एयर कहाँ से आती है, एटमोसफेयर से स्ट्रीम ऑफ एयर आती है, उसको वो ठंडा करती है। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफेयर इन ऑर्डर टू हैव द एफिशिएंट कूलिंग बाय मीन्स ऑफ एयर बाय प्रोवाइडिंग फिन्स अराउंड द सिलेंडर। सिलेंडर हेड इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एरिया। तो इसमें क्या, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमने जो, जैसे बाइक का जो सिलेंडर होता है, बाइक का जहाँ पे, यानी कि जो इंजन होता है, इंजन के बाहर फिन आपने देखे होंगे, यानी कि उसमें जो फिन्स लगे होते हैं वो किसके लिए लगे होते हैं, वो इसी के लिए लगे होते हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम के लिए लगे होते हैं, ताकि जिससे वो कॉन्टैक्ट एरिया वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और एयर उसके ज़्यादा सरफेस पे एयर है वो कॉन्टैक्ट करे, जिससे कि उसकी जो कूलिंग है वो अच्छे से, इंजन की जो कूलिंग है वो अच्छे से हो जाए। आपने देखा होगा कि ऐसे पत्ती सी लगी होती है, फिन्स का क्या मतलब है कि अपने मोटरसाइकिल में, अगर बाइक की और मोटरसाइकिल की बात करें, तो इंजन के बाहर ऐसे जो पत्ती सी, एक्स्ट्रा पत्ती निकली होती है, जैसे पांच इधर पांच दूसरी साइड निकली होंगी, उसको फिन्स बोलते हैं। वो किसके लिए होती है, जिससे कॉन्टैक्ट एरिया उससे बड़ा हो जाएगा, और एयर कूलिंग सिस्टम के लिए वो बनी होती हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, वाटर कूल्ड सिस्टम। वाटर कूल्ड सिस्टम में क्या होता है, इट टेक अवे द एक्सेसिव हीट जनरेटेड इन द इंजन। जो एक्सेसिव हीट इंजन के अंदर बनती है उसको दूर करने के लिए हम वाटर कूल्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें ओवर हीटिंग से भी सेव करता है। वाटर कूलिंग सिस्टम इट कीप्स द इंजन एट वर्किंग टेम्परेचर फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वर्किंग, यानी कि इंजन को अच्छे से काम करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं लिक्विड कूलिंग सिस्टम के। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है वाटर पम्प, जहाँ से हमारा वाटर है वो अंदर इंजन के सराउंडिंग में जाएगा, वाटर पंप। उसके बाद है फैन, फिर होता है रेडिएटर। रेडिएटर आपने देखा होगा गाड़ियों के आगे जो लगा होता है। उसके बाद रेडिएटर दो तरह के होते हैं, एक होता है हनीकॉम्ब, एक दूसरा होता है ट्यूबुलर। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं आगे कि इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, जो लिक्विड वाटर कूल्ड सिस्टम है। और नेक्स्ट क्या होता है, थर्मोस्टेट वॉल्व, जो कि टेम्परेचर। थर्मोस्टेट वॉल्व क्या होता है, थर्मो एक वॉल्व होता है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस से वो ओपन और क्लोज हो जाता है, जितना भी कि हमें मेंटेन उसको हम लगा के रखते हैं थर्मोस्टेट वॉल्व को, कितना टेम्परेचर उसका मिनिमम और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो क्या करता है वाटर पंप, क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप होता है जो कि सिलेंडर के ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है। ये जो बेल्ट होती है उससे ये चलता है, ड्राइवन बाय मीन्स ऑफ बेल्ट, बेल्ट से ये जो पंप है वो चलता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप है। उसके बाद क्या है, द बॉटम साइड ऑफ रेडिएटर, यानी कि जो रेडिएटर होता है उसके नीचे वाली जो साइड होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो सक्शन, जो सक्शन साइड होती है पंप की, वो उस साइड से कनेक्ट होती है। और पावर ट्रांसमिट होती है पंप के, जो पंप होता है वो किससे, द पावर इज ट्रांसमिटेड टू द पंप स्पिंडल फ्रॉम अ पुली, ठीक है ना, पुली से पावर ट्रांसमिट होती है पंप को, माउंटेड एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट के एक साइड में लगा होता है। रेडिएटर का क्या काम है, रेडिएटर क्या करता है, इसका क्या काम है, वाटर रिसीव करेगा जो इंजन से, उसको ठंडा करना रेडिएटर का काम। इट्स फंक्शन इज टू कूल डाउन दी वाटर रिसीव्ड फ्रॉम दी इंजन की, जो इंजन से जो पानी वापस आया उसको ठंडा करने का काम करता है रेडिएटर। रेडिएटर में टैंक होता है, अपर टैंक, लोअर टैंक और ट्यूब्स लगी होती है। रेडिएटर आपने देखा होगा कि पित्तल की या तांबे कह सकते हैं, उसमें जो लाइन से बनी होती है उसको रेडिएटर बोला जाता है। गाड़ी के जो आगे जहाँ पे आप पानी डालते हैं ना, उसको रेडिएटर बोलते हैं। अपर ट्यूब, लोअर ट्यूब और अपर टैंक, लोअर टैंक और ट्यूब्स। हॉट वाटर, जो गर्म पानी होगा वो कहाँ से आएगा, अपर टैंक में से आएगा, यानी कि अपर टैंक में पहले जो गर्म पानी है वो जाएगा, विच कम्स फ्रॉम द इंजन। इंजन क्योंकि जब इंजन में से पास करेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद वो अपर टैंक में जाएगा पहले, अब इंजन फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द ट्यूब्स, उसके बाद जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ट्यूब्स की हेल्प से। द हीट कंटेंट इन द हॉट वाटर इज कंडक्टेड टू द अपर कंडक्टेड टू द कॉपर फिन प्रोवाइडेड अराउंड द ट्यूब। कॉपर फिन्स लगाई होती हैं, फिन का मैंने फिर से आपको जैसे बताया कि पत्तियां लगी होती है कॉपर की,
जिससे क्या होगा, वो उसको जो गर्म पानी है उसको ठंडा कर देंगे, कोल्ड वाटर में वो कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में वो हो जाएगा चेंज। तो ये था रेडिएटर का काम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।